अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पैरट बहावलपुर। दोस्तों आज आपसे मैं शेयर करूंगा अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो इससे ना हमारे पास वाइटिंग ने का स्टिक आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ी ने अंडे दिए हुए हैं वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा क्रिमिनो के एग्स होंगे और सन कोनियर्स के एग्स होंगे, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा। वाइटिंग ने का जो स्टिक है वो मेरे घर के पिनों में आ गया, तो वो भी आज हमने उठाना हैंड फीडिंग के लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सन कोनियर के चिक्स जो कि उस टाइम हैंड फीड पर थे, वो अब ऑलमोस्ट सेल्फ हो चुके हैं। तो उनकी भी जो इस टाइम कंडीशन है, जो एज है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो इस टाइम उनकी हेल्थ है। जी दोस्तों, तो ये आ गया व्हाइट इग्नेक का पेयर जिसका मैंने आपको बताया एक इसका चिक्का हुआ है। तो माशाल्लाह ये वो बच्चा है, तीनों में आ गया, तो अभी से उठा लेंगे हैंड फीडिंग के लिए। माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव बच्चा है। और ये वो साथ ही दूसरा पेयर है जिसकी फीमेल अभी बॉक्स में है, तो इसे मैं अभी खोल के दिखा सकता हूँ कि इसकी फीमेल को एक ज़रा बुरी आदत है कि वो डर के एक्स छोड़ देती है। अच्छा दोस्तों, तो ये आ गया हमारा क्रिमिनो का पेयर, तो इसकी भी प्रोग्रेस मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसने लिंक स्टार्ट की थी 9 मार्च को, और इसके जो भी एक्स है वो मैं आपको दिखा दूँ। फीमेल अंदर है तो बॉक्स को नॉक करते हैं। फीमेल भाई नहीं है शायद, फिर भी देखते हैं ऊपर जाके, फिर एक बार नॉक कर देते हैं, क्योंकि नॉक ना करें तो फीमेल अक्सर डर के एग तोड़ देती है। माशाल्लाह से 3 एग हुए हैं, ये फीमेल निकली बाहर। तो लग तो पड़ा ही रहे हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि तीनों ही बच्चे निकल आए। माशाल्लाह से ये पेयर है। अच्छा, तो ये आ गया पहाड़ी का पेयर, तो इसकी फीमेल ने 17 मार्च को अंडे देना स्टार्ट किए हैं, तो उसे भी खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये आए हुए हैं। ये फीमेल 6 एग तक देती है टाइम में, ये इसका चौथा कलाचे इस साल का। अभी थोड़ी अग्रेसिव हो रही है, चेक नहीं करने दे रही, कोई नहीं फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, तो ये आ गया हमारा सन कोनियर का पेयर जिसके मैंने पिछली बार आपको 4 चिक्स दिखाए थे, तो ये फीमेल भी बाहर आ गई, तो आसानी है। चलो मैं इसी एग्स आपको दिखाता हूँ। अभी इसने इस बार जो एग ले किए थे वो थे 5, लेकिन हुआ यूँ कि एक जो अंडा है वो डेड इनिशियल हो गया और थोड़ा सा क्रैक भी था, तो वो मैंने 2-3 दिन पहले फेंक दिए। बाकी 4 एग्स हैं, इनसे 2 फर्टाइल हैं और 2 अभी अनफर्टाइल है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, ये आ गए उसके चिक्स जो पहले क्लच के हैं, ये अब ऑलमोस्ट सेल्फ हैं। इन्हें वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं है फीड की, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन एक टाइम रात को इन्हें फीड करा देता हूँ। बाकी ये 2 टाइम खुद खा रहे हैं, जिसमें ये चने, लोबिया, अंडा ब्रेड और अमरूद कुछ भी सॉफ्ट सी फूड में जो है वो दे गया। अब देख सकते हैं फुल फ्लाइंग में माशाल्लाह से इनके चिक्स सन कोनियर के। बाकी ये आ गए ग्रे पैरट्स हमारे टीम मिठू ना, इन्हें तो भी काफ़ी देर है ब्रीडिंग में, टॉकिंग में। मैं मिठू जी दोस्तों, तो ये थी अब तक की छोटी सी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अभी मैं ये वाइट का जो बच्चा है ये उठा लूँगा और इसे हैंड फीड पे ले जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों में इसका भी छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करूंगा। तो साथ ही मेरे पास इस टाइम 3 काठे के बच्चे भी आए हुए हैं मेरे एक दोस्त की तरफ से, तो उनकी भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा और उन्हें मैं एक फीड कराऊँ लोकल। यानी आपको पता है केटी महंगी आती भी महंगी है, जो वाइट येलो सन को उन्हें चलो केटी करा दी, लेकिन जैसे काठे के बच्चे हैं तो उन्हें केटी खिलाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है,
तो एक लोकल हैंड फीड आई है मेरे पास, वो तकरीबन 150 से 200 रुपये के जी में बन जाती है। तो उसमें भी मैं तकरीबन 10 दिन से काटे पा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पल रहे हैं। अगर उसे कंपेयर करें केटी से तो केटी 1800 रुपये पर के जी है और ये 150 रुपये 200 रुपये पर के जी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मजीद भी आके देखता हूँ कि इससे कोई इशू तो नहीं आता फिर से चल के या कुछ भी, और अगर इनकी हेल्थ इन फ्यूचर अच्छी है बुरी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि काफ़ी अच्छे हेल्दी एंड एक्टिव फिश हैं बड़े सारे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊँगा। अभी के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।